इस युद्ध के शुरुआती दिनों से ही विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध का खतरा मंडराता रहा है। अमेरिका समेत यूरोपीय देश रूस की परमाणु शक्ति को जानते और समझते हुए भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस उन्हें परमाणु युद्ध की धमकी देकर हर बार शांत हो जाता है। परमाणु युद्ध होगा या नहीं इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इस युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा परमाणु खतरा मंडराने लगा है। ये एक ऐसा परमाणु खतरा है जिसको लेकर कोई किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल पाएगा और दुनिया एक बहुत बड़ा हादसा देखेगी। ये परमाणु खतरा अब लाल सिग्नल देने लगा है और अगर अभी नहीं संभले तो यूक्रेन में ऐसी तबाही होगी जिसका असर यूरोप वर्षों तक झेलेगा। यह नया खतरा ज़ापोरिज़्या के परमाणु प्लांट से जुड़ा है। वहां से आजकल दुनिया को अलर्ट करने वाला रेड सिग्नल आ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रूस से इस प्लांट में जाने की अनुमति मांगी है ताकि जरूरी मरम्मत और रिपेयर वर्क किया जा सके। इस रेड सिग्नल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भी अगर नहीं संभले तो मौका नहीं मिलेगा। परमाणु बमों की चेतावनियां धरी की धरी रह जाएंगी और ऐसा परमाणु धमाका होगा जिससे वर्षों तक दुनिया उबर नहीं पाएगी। दुनिया के लिए यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ापोरिज़्या से खतरे का लाल सिग्नल आने लगा है। 3 मार्च की देर रात ज़ापोरिज़्या पर रूस के हमलों की ये तस्वीरें आपने देखी थी। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया था। उस वक्त दुनिया भर में बयानबाजी हुई और फिर ये मान लिया गया कि खतरा टल गया है, लेकिन उस हमले का असर अब कभी भी दिख सकता है। ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमलों के बाद डर ये है कि चेर्नोबिल जैसा हादसा अब कभी भी हो सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर राफेल मारियानो ग्रोसी का कहना है कि ज़ापोरिज़्या प्लांट से खतरे का लाल सिग्नल मिलने लगा है। उनके मुताबिक अगर अब इस न्यूक्लियर प्लांट की देखरेख ठीक से ना हुई तो तबाही तय है। आईएईए को ज़ापोरिज़्या प्लांट को देखने जाना जरूरी है। इस मामले में रूस और यूक्रेन दोनों की मदद करनी चाहिए। हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, इस प्लांट को मरम्मत की जरूरत है। ये जरूरी मरम्मत नहीं हो पा रही है। यूरोप के इस सबसे बड़े पावर प्लांट का रूस के कब्जे में होना फिलहाल खतरे का लाल सिग्नल है। दरअसल आईएईए दुनिया भर के न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा पर नजर रखती है और इसके लिए वो समय समय पर न्यूक्लियर प्लांट की जांच और मरम्मत करती है। पिछले महीने ज़ापोरिज़्या में हुए हमले के बाद से ही इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की मरम्मत नहीं हो पाई, इसीलिए खतरा बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट की 2 यूनिट एक्टिव, बाकी यूनिट को कूल डाउन करने के लिए मरम्मत की जरूरत है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की मरम्मत नहीं हो पा रही है, इसलिए खतरा बढ़ता जा रहा है। राफेल मारियानो ग्रोसी ने अपनी ये न्यूक्लियर चिंता चेर्नोबिल हादसे की बरसी के बाद जताई है, क्योंकि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुआ हादसा इतिहास में हुआ सबसे बड़ा परमाणु हादसा था। 25 अप्रैल 1986 की रात चेर्नोबिल प्लांट के रिएक्टर में 2 विस्फोट हुए थे। प्लांट में काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत तुरंत ही हो गई थी। सैकड़ों कर्मचारी रेडिएशन से जल गए थे। रेडियो एक्टिव पदार्थ काफी दूर तक फैल गया था। एक दावे के मुताबिक इस हादसे में हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे परमाणु बमों से भी ज्यादा रेडिएशन पैदा हुआ था। चेर्नोबिल से फैला रेडिएशन 1280 किलोमीटर दूर स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तक पहुंच गया था। रेडिएशन से रूस, यूक्रेन और बेलारूस के 50 लाख लोगों पर असर पड़ा। रेडिएशन फैलने से कैंसर जैसी बीमारी से हजारों लोग मारे गए। दशकों तक उस पूरे इलाके से रेडिएशन खत्म नहीं हुआ, आज भी वहां रेडिएशन। चेर्नोबिल में जो हादसा हुआ था वो सिर्फ एक रिएक्टर की वजह से हुआ, इसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। सोचिए, ज़ापोरिज़्या में तो 6 रिएक्टर, यहाँ पर जंग चल रही है। ज़ेलेंस्की ने भी ज़ापोरिज़्या पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई। यूरोप वालों जाग जाओ, रूसी सैनिक यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट पर हमला कर रहे हैं। एनरहोदर शहर में 6 परमाणु रिएक्टर हैं। चेर्नोबिल में सिर्फ 1 रिएक्टर फटा था, सिर्फ 1।
ज़ापोरिज़्या प्लांट के अंदर मरम्मत किए जाने और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल डाउन करने के लिए ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वहां जाना चाहती है, लेकिन फिलहाल वहां रूस का कब्जा होने की वजह से एजेंसी के अधिकारियों और विशेषज्ञों को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बात दुनिया के लिए अब एक बड़ा खतरा बन गई। IAEA इसी वजह से डर रहा है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट में मरम्मत का काम ना हुआ तो हादसा तय। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।